Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, I hope you are fine. In previous videos, dua before eating, forget dua, dua after eating, the sunnah way of eating, and last lesson, the sunnah way of drinking water. Bacho, इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो भेजे हैं वीडी के अंदर, खाने से पहले की दुआ, हम शुरुआत में दुआ पढ़ना भूल गए तो कौन सी दुआ पढ़ेंगे, और खाने के बाद की दुआ, खाने का सुन्नत तरीका और पानी पीने का सुन्नत तरीका, ये सब जो आपके वीडियोस थे सब फिनिश हो चुके. आज हम लोग करेंगे आगे का जो हमारा लेसन है, लेसन नंबर 7, 8, 9 and 10. लेसन नंबर 7 कौन सा है मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ. हाँ, लेसन नंबर 7, दुआ फॉर सीकिंग नॉलेज, इल्म हासिल करने की दुआ. इससे पहले बच्चों मैं आपको बताऊँ कि शुरुआत से हमारा टॉपिक चलता है दुआ एंड सुन्ना. दुआ किसे कहेंगे? Asking from Allah Ta'ala is called dua, and the way of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is called sunnah. Allah Ta'ala se mangne ko dua kahenge aur hamare nabi ke tareeke ko sunnat kahenge. Is topic ke andar hamare 6 lesson finish ho chuke hain. Aaj hum log karenge lesson number 7, ilm hasil karne ki dua. मैंने आपको कहा था लाइव क्लास के अंदर कि रोज़ाना दुआ करो, कम से कम 5 मिनट अल्लाह से दुआ करो. हमारे ज़ात के लिए करो, हमारे पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, पूरी उम्मत मुहम्मदिया के लिए, सब के लिए दुआ करो. इसी तरीके से हम हमारे एजुकेशन इल्म के लिए भी दुआ करेंगे. समझ में आता है? आज जो हमारा लेसन है इल्म हासिल करने की दुआ. कौन सी दुआ पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया. कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया. ट्रांसलेशन, ओ अल्लाह, आई आस्क यू टू ग्रांट मी बेनिफिशियल नॉलेज. ए अल्लाह, मैं आपसे नफ़ा पहुंचाने वाला इल्म मांगता हूँ. रोज़ाना अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह हमको नफ़ा पहुंचाने वाला इल्म अता फरमा. चूँकि इल्म तो शैतान के पास भी था, इल्म तो शैतान के पास भी था, लेकिन नफ़ा बख्श नहीं हुआ. समझ में आता है ना? हमको पता है कि उसके तकब्बुर ने उसको जन्नत से निकाल लिया, शैतान के तकब्बुर ने जन्नत से निकाल लिया. तो क्या समझ में आता है कि इल्म तो बहुत था लेकिन नफ़ा पहुँचाने वाला नहीं था. समझ में आता है ना? इससे भी तो हम लोग रोज़ाना अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया. या अल्लाह, हम आपसे नफ़ा पहुंचाने वाला इल्म मांगता हूँ. एग्जांपल आप लोग समझो कि हमारा इल्म हमको फ़ायदा देता है, हम दीन इस्लाम पर बाकी है और मौत तक इंशाल्लाह बाकी रहेंगे, और दूसरों को सिखाते हैं और वो भी दीन इस्लाम पर चलते हैं और हमारे इल्म से वो फ़ायदा उठाते हैं, या तो हम खुद फ़ायदा उठाते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? नफ़ा पहुंचाने वाला इल्म. समझ में आता है? रोज़ाना अल्लाह ताला से दुआ करेंगे. तो ये हमारा आज का फर्स्ट लेसन. सेकंड लेसन है आपका लेसन नंबर 8, दुआ बिफोर स्लीपिंग. हम जब रात को सोते हैं, तो मैंने आपको लाइव क्लास के अंदर समझाया था कि बेटा रात को जल्दी सो जाओ, जितना जल्दी सोएंगे इतना जल्दी उठेंगे, और याद रखना जितना जल्दी सो जाएंगे इतना जल्दी उठकर, चूँकि सुबह के अंदर आपका मदरसा रहता है, आप फ्रेश होकर मदरसा जाएंगे. और अगर आपने देर रात तक मोबाइल देखा, टेलीविज़न देखा, सीरियल है, पिक्चर है, ये सब देखे, मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब बच्चों की, हमारे सब बच्चों की हिफाजत करें. तो रात को अगर हम लोग देर रात तक जागे और मोबाइल देखते रहे, सीरियल देखते रहे, तो क्या होगा? जब सुबह के अंदर उठेंगे तो हम हमारे पेरेंट्स से कहेंगे मैं 5 मिनट सो जाऊं,
बाद में मदरसा जाता हूँ, ऐसा करते करते लास्ट टाइम तक सोते हैं। तो ये क्यों होता है? रात को हम जल्दी नहीं सो गए। तो क्या करना है बेटा? रात को जल्दी सो जाओ, जितना जल्दी सोएंगे इतना जल्दी उठेंगे। सोने से पहले आप तो बड़े बच्चे हैं, वुज़ू कर लो, वुज़ू करके सो जाओ। वुज़ू करो, वुज़ू करने के बाद दुआ पढ़ो। कौन सी दुआ? जो आज हमारा लेसन है आपके सामने स्क्रीन पर है, अल्लाहुम्मा बिस्मिक अमूतु व अहया। अल्लाहुम्मा बिस्मिक अमूतु व अहया, ट्रांसलेशन, ओ अल्लाह इन योर नेम डू आई डाई एंड लिव। ए अल्लाह, हम आपका नाम लेकर मरते हैं और जीते हैं। ऐसा क्यों बोलना है? चूँकि नींद जो है, हम जो सो जाते उसकी कंडीशन और मौत की कंडीशन सेम होती है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह मरते भी हैं और जीते भी हैं आपका नाम लेकर। और मैंने आपसे क्या कहा कि पहले आप सोने से पहले दुआ पढ़ो, दुआ पढ़ने के बाद पहला कलमा पढ़ो। इनकेस ऐसा होता है कि अगर रात के अंदर किसी का इंतकाल हो जाता है तो हमारा इंतकाल कलमे के साथ होगा। तो क्या करेंगे? दुआ के साथ साथ पहला कलमा पढ़ो। और फिर हमने इतना कर लिया, फिर सुबह के अंदर उठेंगे, सुबह के अंदर हम लोग उठेंगे, जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे और देर से सोएंगे तो देर से उठेंगे। अगर हम रात को जल्दी सो गए, दुआ पढ़ी, वुज़ू किया, पहला कलमा पढ़ा, और फिर जब सुबह के अंदर उठे तो पहले क्या करना है? दुआ पढ़नी है। कौन सी दुआ? जो आपका लेसन है, लेसन नंबर 9, दुआ आफ्टर वेकिंग अप, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ट्रांसलेशन, ऑल प्रेसिस फॉर अल्लाह, ऑल प्रेसिस फॉर अल्लाह हु गिव अस लाइफ आफ्टर गिविंग अस डेथ। कि अल्लाह ताला ने हमको मौत के बाद दोबारा जिंदा किया। मैंने आपको कहा नहीं कि कंडीशन सेम है, तो हम लोग सुबह के अंदर उठे तो इसका मीनिंग क्या? अल्लाह ने हमको जिंदा किया। और आगे क्या है? व इलैहि नुशूर, हमको अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। यहाँ क्या मीनिंग लिखा है? एंड टू हिम वी ऑल हैव टू रिटर्न, कि हमको अल्लाह की तरफ जाना है। समझ में आता है ना? तो क्या करेंगे सुबह के अंदर? पहले उठकर दुआ पढ़ो। और हमने रात को सोने के टाइम पर दुआ पढ़ी, सुबह के अंदर उठेंगे तो दुआ पढ़ी, तो क्या होगा? पूरी रात फरिश्ता हमारे लिए सवाब भी लिखेगा और दूसरी बात फरिश्ते हमारी हिफाजत करेंगे। कुछ टाइम पर हमको पता ऐसा होता है कि बच्चे रात में डर जाते हैं। इसका क्या मकसद? इस वजह से डरते हैं कि जब रात को सोते हैं तो सोते सोते टेलीविज़न देखते देखते सो गए, मोबाइल देखते देखते सो गए। अब जो हमने देखा है वही हम रात के अंदर नींद के अंदर देखते हैं, इस वजह से हम लोग डर जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग सुन्नत के ऊपर अमल करेंगे, तो याद रखना सुन्नत के ऊपर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत भी करेंगे और हमको कोई नुकसान नहीं होगा। सुन्नत तरीका कौन सा है? सुन्नत तरीका ये है कि हम जो भी काम करते हैं उसकी दुआ पढ़ो। जो भी काम करते हैं, एग्जाम्पल खाना खाते हैं, खाने की दुआ पढ़ो, सोते हैं तो सोने की दुआ पढ़ो, दूध पीते हैं दूध पीने की दुआ पढ़ो। ये जो सब दुआ है जो मैंने आप लोगों को सिखाई वीडियो के अंदर, क्यों सिखाई? सिर्फ देखने के लिए और याद करने के लिए? नहीं बेटा, देखना और याद करना सिर्फ हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है हमारी ज़िंदगी के अंदर इन दुआओं को लाना, अमल करना। अमल कैसे करेंगे? जो दुआ जो टाइम पर पढ़नी है उस टाइम पर पढ़ेंगे, तो ये हमारा अमल भी हो गया और हमारी ज़िंदगी सुन्नत के ऊपर भी रहेगी। तो कौन सी दुआ है बेटा? सोने से पहले कौन सी दुआ पढ़ेंगे? सोने से पहले पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा बिस्मिक अमूतु व अहया। और जब सुबह के अंदर उठेंगे तो कौन सी दुआ पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये दुआ हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आगे का लेसन है, लेसन नंबर 10, दुआ बिफोर एंटरिंग द टॉयलेट। वॉशरूम में हम दाखिल होते हैं, इससे पहले क्या करेंगे? पहले मैं आपको समझाता हूँ। पहले वॉशरूम से बाहर खड़े रहेंगे, खड़े होकर पहले दुआ पढ़ेंगे। कौन सी दुआ? जो हमारे सामने स्क्रीन पर है, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। फिर से बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। ट्रांसलेशन,
I enter in the name of Allah. I enter in the name of Allah. O Allah, I seek your protection from the evil jinn, male and female. Ya Allah, हम आपका नाम लेकर अंदर दाखिल होते हैं कि जो वॉशरूम है एक नापाक चीज़ है, वहाँ अक्सर जिन्नात हुआ करते हैं। तो हम पहले से अल्लाह ताला से क्या करेंगे, दुआ करेंगे कि अल्लाह तो हमको नापाक जिन्नात से बचाना। अल्लाह ताला से हम लोग दुआ करेंगे और जो नापाकी है जिसका हमको प्रॉब्लम है, अल्लाह तो हमको आसानी के साथ फारिग कर लेना, ये दुआ पढ़ेंगे। हाँ, तो पहले क्या करना है, पहले बाहर खड़े होकर ये दुआ पढ़ेंगे। दुआ पढ़ने के बाद हम लोग अंदर दाखिल होंगे, कौन से लेग से, लेफ्ट लेग से अंदर दाखिल होंगे। दाखिल होने के बाद आराम से वॉशरूम करेंगे। और मैं यहाँ पर हमारे जो बॉयज़ हैं उनको स्पेशल कहता हूँ कि बेटा वॉशरूम में बैठकर पेशाब करो, इसलिए हदीस शरीफ में है कब्र का अजाब अक्सर पेशाब की छींटों की वजह से होता है। तो क्या समझ में आता है, पेशाब से बचना है। अगर हम खड़े खड़े पेशाब करेंगे तो पेशाब के छींटे हमारी बॉडी पर, कपड़ों पर लग जाएंगे तो हम नापाक हो जाएंगे। तब बैठकर पेशाब करेंगे। एक मरतबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे कब्रिस्तान के पास से, तो कब्रिस्तान में से रोने की आवाज़ आती थी। हमारे नबी ने पूछा ये क्यों रोते हैं, तो क्या कहा कि इसको अजाब होता है। पूछा किस चीज़ का, कि पेशाब से नहीं बचते थे। तो क्या समझ में आता है, पेशाब से बचना ज़रूरी है। समझ में आता है ना, तो बैठ कर आराम से पेशाब करेंगे। तब ने तीन काम किए, बाहर खड़े होकर दुआ पढ़ी, लेफ्ट लेग से अंदर एंटर हुए, आराम से फारिग हो गए। इसके बाद बाहर निकलना है। बाहर कैसे निकलेंगे, बाहर निकलेंगे राइट लेग से, और निकलने के बाद दुआ पढ़ेंगे जो आपके सामने है। कौन सी दुआ, दुआ आफ्टर लीविंग द टॉयलेट, गुफरानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा वआफ़ानी। ट्रांसलेशन, ओ अल्लाह, आई सीक योर फॉरगिवनेस, ऑल प्रेसिस फॉर अल्लाह हु हैज़ रिमूव हार्म फ्रॉम मी एंड हैज़ गिवन मी एज एंड कम्फर्ट। कि अल्लाह, मैं जिस चीज़ की वजह से परेशान था, जो तकलीफ थी, आपका शुक्र है कि आपने हमको इस तकलीफ़ को दूर कर दिया, आपने हमसे इस तकलीफ़ को दूर किया और हमको आफियत दी। समझ में आता है ना, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। हाँ, क्या करना है बेटा, बाहर निकलने के बाद ये दुआ पढ़नी है, अंदर नहीं। अंदर पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, बेअदबी हो जाएगी। तब बाहर निकलेंगे राइट लेग से और निकलने के बाद ये दुआ पढ़ेंगे। तो ये जो सब दुआ है आपके, इन दुआ को क्या करना है, जब हम वो काम करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, तो इन सब दुआ को उसके टाइम पर पढ़ना है। यही हमारे लिए क्या हुआ, क्या होगा, यही हमारे लिए सुन्नत पर अमल हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत के ऊपर हमको ज़िंदगी अता फ़रमाए और सुन्नत को अमल करने की हमको तौफीक अता फ़रमाए और हमारी ज़िंदगी और मौत सुन्नत के अतबार से हमको अता फ़रमाए और हमारा खात्मा ईमान पर अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।